हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब? फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, यानी हम लोग मॉडल पेपर प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग मॉडल पेपर का सीरीज निकाले हैं जिसमें आप लोग को 10 सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जहाँ पर आज हम लोग सेट 2 को कम्प्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 कम्प्लीट कर चुके हैं। अभी आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है? तो अभी आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, सोचना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट किसी तरह मतलब लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक तो करना ही और सभी फ्रेंड्स से शेयर जरूर करेंगे, ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करा कि कौन राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, जो कि चीन की सीमा पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मणिकरण जो है वो क्या है? मणिकरण ये कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका नील घाटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी नील घाटी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या कौन से क्षेत्र जहाँ पे कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जो है आपका जनसंख्या विरल है, यानी कम मात्रा में है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। पश्चिमी यूरोप में बहुत ही घना है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी घना है, बाकी ये तीनों में याद रखना कि सब में घना है। तो आपको कभी अगर घना पूछे तो इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन को आप लोग याद रखना है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का हम लोग को, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है ये क्या है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करके, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए, अभी जो विश्व के सबसे पहला जो स्थान था वो चीन का आता है और दूसरा नंबर पे हम लोग का भारत का आता है, और इसी तरह भारत का अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहा तो किसी दिन भारत जो प्रथम स्थान पे आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भी भारत पे है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या आपका भारत में होगा। यानी क्या कहते हैं, अगर ऐसे देखा जाए चीन बड़ा है लेकिन चीन की संख्या अधिक है, थोड़ा क्षेत्र भारत से क्षेत्रफल चीन का अधिक है इसलिए, लेकिन जितना अगर चीन का क्षेत्रफल अगर उतना भारत का क्षेत्रफल होता तो चीन से ज़्यादा होता जनसंख्या। तो इसका यहाँ पे सिर्फ ऐसा कुछ मतलब नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा आपको कौन सी जनसंख्या किसकी जो सबसे अधिक है, तो आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोगों को कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो बिहार के लोग जो है वह द्रविड़ियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित है? अच्छा, निम्न है यानी कम है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कम की बात यहाँ पे हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल या बिहार, क्या हो जाएगा यहाँ पे असम। निम्नलिखित भारत के राज्य में से जनसंख्या घनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश मुझे को लगता है, लेकिन यहाँ पे असम भी दिया होगा। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? तो जब तक हम अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जनसंख्या घनत्व जो है वो कम अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है जन्य है? ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, अतिसार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है? तो अतिसार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तो मोटर वाहन डेफिनेटली सबको पता है हो जाएगा, उद्योग से भी जो है मशीन वगैरह यंत्र चलते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जा रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पे, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? आंसर हो जाएगा आपका ये कृत्रिम पत्तन है, क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई पत्तन एक कृत्रिम पत्तन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के
आयात भारत के आयात और व्यापार का भारत के आयात व्यापार का सर्व प्रमुख पदार्थ जो है वो क्या है? तो पेट्रोलियम पदार्थ है, सबसे अधिक जो आयात होती है भारत में वो पेट्रोलियम होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत एक सदस्य जो है इनमें से किसका भारत एक सदस्य है? ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका साफ्टा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कर आप लोग को, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करें तो चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 121 करोड़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जो कि एक औद्योगिक नगर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देखो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग, जिला स्तर की सड़कें के अतिरिक्त चौथा वर्ग जो है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय सड़कों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य महामार्ग, जिला स्तर के सड़कों के अतिरिक्त जो चौथा वर्ग है वो ग्रामीण सड़कें हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? उत्तरदायित्व जो है वो किस पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग का इसके मतलब भार किस पर है ये? तो ये केंद्र सरकार पर होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, केंद्र सरकार पर होता है। किस चीज़ का? तो राष्ट्रीय जिसको हम कहते हैं NH, नेशनल हाईवे, इसका जो निर्माण करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ये सब जो है केंद्र सरकार पर होता है, इसका भार है। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी या फिर चेनाब? तो नर्मदा नदी में जो है कि नाव नहीं चल सकती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित की बात करें तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कराए कि सुंदरबन जो है किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन की बात करा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एन्नौर पत्तन जो है किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पत्तन की बात करें ये कौन से राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तूतीकोरिन पत्तन जो है स्थित है वो कहाँ पे है? तो तूतीकोरिन पत्तन जो अवस्थित है ये आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान रखा, विशाखापट्टनम को जो है स्थलबद्ध पोताश्रय कहा जाता है, तो विशाखापट्टनम बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पूर्व पश्चिम ग्वालियर जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम ग्वालियर जो है जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका सिलचर को पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कर हम लोग को, भारत में रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में यानी कितने जोनों में विभाजित किया गया है? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 है, पहले जो था 16 था, लेकिन अभी करेंटली में जो है 17 है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसा कोई ऑप्शन दिखने को नहीं मिलता, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगीकरण से प्रदूषण जो होता है वो हो जाता है आपका वायु प्रदूषण, डिफरेंस को पता है, जल प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। औद्योगिक जहाँ होता है तो मशीन का यंत्र चलता है, ध्वनि होता है, वहाँ पे जो है आपका जल जो भी प्रदूषण होता है, बहुत सारे जल जो बर्बाद होते हैं, वायु की प्रदूषण होती है, धुआं वगैरह निकलता है, तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको, नाफ्टा जो अस्तित्व में आया था वो कब आया था? तो नाफ्टा अस्तित्व में आया था 1994 में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से
कौन अपकर्षक कारक है। अपकर्षक कारक की बात करें तो डेफिनेटली पता होगा यहाँ पे औद्योगिकरण, ये भी आपका अपकर्षक। अपकर्ष का मतलब अपने फायदा के लिए जो भी चीज़ होती है उसको हम अपकर्षक कारक कहते हैं। शहरीकरण अपने फायदा के लिए, तृतीय कार्यों में प्रमुखता, ये भी अपने फायदे के लिए होता है लोग, यानी सुविधा के लिए जो भी हम सुविधा कर सकते हैं, जिसमें हमको सुविधा प्राप्त होती है, उस चीज़ के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको हम अपकर्षक कारक करते हैं, और जो काम हम मजबूरी में करते हैं उसको हम प्रतिकर्षक कारक कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को समझाया हूँ। जैसे अगर कहीं पर जल कटाव आ गया, नदी कटाव हो गया, मजबूरी में आप लोगों को जगह को छोड़ना पड़ता है, ये आपका प्रतिकर्षक हो गया। अगर आप जो है किसी उसी जगह को छोड़ के अगर चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप अच्छी सुविधा के लिए कहीं दूसरे स्थान को चेंज करते हैं, शहरों में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, तो ये आपका अपकर्षक हो गया। यानी अपनी सुविधा अनुसार जो भी जगह को आप छोड़ते हैं उसको अपकर्षक कहते हैं। और कोई मजबूरी के कारण, कोई बीमारी हो गया, कोई घटना हो गया, कोई मजबूरी के कारण आपको जबरदस्ती का उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है, तो प्रतिकर्षक होगा डेफिनेटली। आई होप मुझे आपको इस क्वेश्चन का समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई है। तो 7 बिलियन की बात करें तो 2011 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, इन देशों में कौन जो है जनसंख्यीय संक्रमण की अतिव्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन देशों में कौन जनसंख्यीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, तो जापान ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति जो है वो किस प्रकार की आकृति है। तो इसकी आकृति हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, घंटी नुमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका घंटी नुमा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कराए हम लोग को, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी। तो ये 1991, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो किसके द्वारा था। डेफिनेटली सभी को पता होगा अधिक जो विदेशी व्यापार था वो समुद्र और वायु द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 1950 को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका श्रीनगर को, आपका नगर को क्या होता है, कोयलन से, कोयल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए, उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है आपका श्रीनगर को, क्या हो जाएगा बताइए, कन्याकुमारी होगा। इस क्वेश्चन का हमको कन्फ्यूज हो रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी होना चाहिए। हाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, श्रीनगर से श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर दक्षिण गलियार जो होता है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गरनट्रंग सड़क पर स्थित नहीं है। तो गरनट्रंग जो है सड़क पर स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, कोलकाता, इलाहाबाद, ये सब है ग्रैंड ट्रंक रोड पे, जो लखनऊ आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और तो क्वेश्चन तो शायद हम लोग का 42 रहता है, तो हम लोग का 42 क्वेश्चन जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, ये 12th क्लास ज्योग्राफी का। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, मैं कहता हूँ 100% गारंटी के साथ यहाँ से आपको 50% ऑब्जेक्टिव जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको इसको दोबारा एक बार फिर से रिविज़न आप लोग एक बार कर लेना है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।